88 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଜିତିଲେ 5 କୋଟିର ଲଟେରୀ। ପଞ୍ଜାବର ଡେରାବାସୀରେ ଜଣେ 88 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମହନ୍ତ ଦ୍ୱାରକା ଦାସ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 35-40 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଲଟେରୀ କିଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିତିଥିବା ପଇସାକୁ ସେ ନିଜ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ କିଛି ଜିତିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ହରାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଏତେ ଜିତିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମେରେ ଫାଦର ସାହବ ने लॉटरी मेरे भतीजे को पैसे दिए थे, जाके लॉटरी डाल दो तो उनकी निकली। कितनी खुशी हो रही है। परमात्मा ने हमारी जो हम डोन फार्म में चल रहे थे, परमात्मा ने फिर देखो जी बनवाने बनाने वाला परमात्मा है, ठीक है ना। खुशियां भी वही देता है, गमियां भी वही देता है, तो ज़्यादा नहीं है, बस ठीक ठीक है। हमारे फादर साहब की लॉटरी निकली है तो कल पत्रकार उनको पूछ रहे थे, वो कहते भी जब गया गम नहीं किया, अब आया तो खुशी तो है ही है, पर ऐसी नहीं है कि हम हवा में उड़ने लग जाए। नरेंद्र कहिचंती तांको बापा प्रतिवर्ष एपरि लॉटरी लगी थांती, भगवान को कृपारु तांको ए वर्ष 5 कोटीर लॉटरी मिलिछि। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଟେରୀରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଉଠିବା କଥା ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ତାକୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଲଟେରୀ ଭାଞ୍ଜନ କମର୍ସ କାମ ବି वो कहने इतने पैसा की करना कि किस तरह करना है यूज है? मैं क्या करना है, दो बच्चे ने, एक ये डेरा है जिसमें बैठा हुआ, तीनों को बराबर में हिस्सा बांट लेना, दो लड़के ने दोनों दे लेंगे, उन्होंने जो बच्चे ने अपना निकाल, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी ना, मुझे आज तक जिंदगी में लालच किया है ना लालच है। लॉटरी मिलबा परे तांको पूरा परिवार खूब खुशी थिबा प्रकाश करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।